दोस्तों मैं आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम आपके लिए वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि हम आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे उन स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करते हैं जो कि हमें लगता है आने वाले सालों में मल्टीपैकर हो सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए प्ले लिस्ट में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जिस सीरीज का नाम है रिजल्ट अपडेट। तो अभी आपको मालूम है कि जो सेकंड क्वार्टर वो 30 सितंबर को खत्म हो चुका है और Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। उस कंपनी में जो सबसे दिग्गज आईटी की कंपनी है उसके रिजल्ट्स आज अनाउंस हो चुके हैं, उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसे कि आप बिजनेस इंडिया का बिजनेस टुडे का न्यूज पेपर हेडिंग देख सकते हैं, TCS Q2 रिजल्ट्स दैट इज 1 जुलाई टू 30 सितंबर के जो रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट जो उनका वो डिप किया है 7% ईयर ऑन ईयर टू 7475 करोड़ एंड डिक्लेयर्स 12 रुपीज एंड इंटरिम डिविडेंड। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, लेकिन हम मेरे हिसाब से कोई इतनी खराब न्यूज भी नहीं है इस कंपनी के लिए। आइए इसका रिजल्ट थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं डिटेल में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड इंटरिम रिजल्ट्स हैं, और अगर हम लास्ट ईयर सितंबर 2019 के रिजल्ट्स देखें तो इसका जो रेवेन्यू था तो आप देख सकते हैं ये 40,336 करोड़ था। ये एक दिग्गज कंपनी है और उस हिसाब से इसका रेवेन्यू भी तो देखें 3 महीने में इसका रेवेन्यू कितना है, और इस साल सितंबर में अगर आप उसके मुकाबले में ईयर ऑन ईयर देखें तो इसका रेवेन्यू थोड़ा सा बड़ा है और 41,010 करोड़ पे आके तो ये इशू हुआ इनका रेवेन्यू का। लेकिन अगर हम सिक्वेंशियली देखें Q1 ऑफ 2020 टू Q2 ऑफ 2020 तो उसमें एक हल्दी बढ़त दिखी है इनके रेवेन्यूज में। अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका 8,058 करोड़ था, कल 7% डाउन होकर 7,504 करोड़ हो गया है। तो इसका कोई ऐसी बेसिकली कोई कंसर्न वाली बात मुझे इसमें दिखती नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उनका ऑलमोस्ट ज्यादा डाउन नहीं था, 4-5% ही डाउन था, और उसमें कुछ प्रोविजंस वगैरह इन्होंने लगाए हैं 1,218 करोड़ के जो कि कुछ लीगल क्लेम्स के लिए इन्होंने खर्च किए हैं। तो कोई एब्सोल्युटली कंसर्न वाली बात नहीं है। टैक्स इनका थोड़ा सा ज्यादा था अगर आप देखें 2,849 करोड़ पे, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1,687 करोड़ था, और डेफर्ड टैक्स भी अगर आप देखें तो इनको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा था। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो तरह का सिचुएशन वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट इसके मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, और वही आपको आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर का देखें 31 मार्च 2020 तक, इसका टोटल प्रॉफिट जो था 32,447 करोड़ था, और हाफ ईयरली आप कंपेयर करें तो फर्स्ट सिक्स मंथ ऑफ लास्ट ईयर 16,411 करोड़ और इस ईयर 14,553 करोड़। ईपीएस की बात करें तो लास्ट ईयर इसका 73 रुपीज का टोटल ईपीएस था, इस साल अगर हम देखें इनका ईपीएस इनका 8,042 के आसपास इनका जो 8,058 करोड़ का जो प्रॉफिट आया लास्ट ईयर, इनका ईपीएस था 30 रुपए 43 पैसे जो थोड़ा सा मामूली सा घटा है 19 रुपए। ओवरऑल कोई मुझे कंसर्न वाली बात नहीं लग रही है, दिग्गज कंपनी है और ऐसे समय में बहुत कम कंपनीज है जो कि अपना प्रॉफिटेबिलिटी और अपना मार्जिन और अपना सेक्टर पे कंट्रोल पकड़े हुए हैं, TCS उनमें से एक है। आप देखिए Q2 का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.8% बढ़ा है एंड दैट इज प्लस 4.7 इन इंडियन रुपीज टर्म्स में और प्लस 7.2 इन US डॉलर टर्म्स में। तो ग्रोथ बेसिकली BFSI और रिटेल सेगमेंट से आई है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि सैलरी जो है इनकी इंक्रीज जाएगी एम्प्लॉयज की इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर, जो कि एक बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंस वाला मेजर है कंपनी की तरफ से। बेसिकली इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन अस कि यस कंपनी इज डूइंग वेल। एंड मार्जिन्स देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है कि इनका मार्जिन्स 26.2% है और वेरी स्ट्रॉन्ग डील क्लोजर्स हुई है इसकी, जिसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप देखिए $8.6 बिलियन। तो इट गिव्स यू गुड विजिबिलिटी फॉर अर्निंग्स इन द कमिंग डेज। आप अगर इसमें देखेंगे तो 12 रुपए का इन्होंने इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया है, लेकिन इसके साथ देखिए ना 16,000 करोड़ का इन्होंने एक बायबैक भी अनाउंस किया है, जो कि एट 3,000 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ये मैक्सिमम खरीदेंगे, और जो नंबर ऑफ शेयर जो सोच रहे हैं वो 5,33,33,333 शेयर है जो इनका खरीदने का प्लान। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के हिसाब से आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप 10,25,934, तो बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है और इनका जो रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड बहुत जबरदस्त है, और उनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स अपना काम के लिए करवाना चाहते हैं। इसका करंट प्राइस 2,736 रुपए है और स्टॉक पी जो 30 से ऊपर चला गया है, 32.7 है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से अंदर हायर वैल्यू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की तरफ चला गया है अगर देखें। लेकिन अगर आप इसका ROCE और ROE देखें तो देखिए 47.8% एंड 37.3% रिस्पेक्टिवली,
जो कि बहुत ही बेहतरीन है किसी कंपनी के लिए। 10 साल का अगर 11 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इसका 2009 में देखिए 5256 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में बढ़ के 32340 करोड़ हो गया है, 6 गुना से ज्यादा की बढ़त हुई है इन 11 सालों में। और जिस कंपनी का सेल्स और बेस इतना बड़ा होता है उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब देखिए मार्च 2009 में इनकी सेल्स क्या थी, 27,000 करोड़, और आज की डेट में इनकी देखिए सेल्स मार्च 2020 में 156,949 करोड़। तो अब ये कंपनी के पास अभी भी बहुत स्कोप है ग्रो करने के लिए। लास्ट ईयर इनका 86 का EPS था, जो अभी थोड़ा सा लास्ट फोर क्वार्टर में 82 पे आ गया है, तो इसमें कंपनी जल्दी कैचअप कर लेगी। इनके पास बहुत बड़े डील्स का जो पाइपलाइन है, तो कोई इसमें चिंता करने की बात है। जैसे मैंने बोला है कि ये अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर चल रही है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव है। स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न, मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। डिविडेंड्स हैव बीन गुड एंड डिविडेंड एंट्री पॉइंट, स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, सो आई विल जस्ट टेल यू माय स्ट्रेटजी हाउ आई इंटेंड टू यू नो इन्वेस्ट इन सच शेयर्स। देयर इज नथिंग नेगेटिव अगेंस्ट दिस शेयर। अभी अगर हम इस शेयर की थोड़ी सी टेक्निकल की बात कर लें, तो आप देखिए ये मंथली कैंडल्स की चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, और आप देखिए ये शेयर यहां पे अगर 2004 में 120 इसके आसपास चल रहा था, आज देखिए 20 गुना बढ़ के, 15 सालों में 20 गुना बढ़ के ये 2700। तो इतनी दिग्गज कंपनी होने के बावजूद भी इसने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और ये आप देखिए 100 का मूविंग एवरेज है, अगर आप मैं इसको आपको यहां पे दिखाऊं तो ये यहां पे 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ही चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ये ब्लू लाइन देखें तो ये 50 की मूविंग एवरेज है, तो ये स्टॉक ऑन मंथली कैंडल बेसिस 50 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। और अगर आप देखें कि अच्छी राइज के बाद ये थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया था बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय द वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद पिछले 6 महीने से एक अच्छी राइज आई है। ये स्टॉक अभी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक इसने अच्छा अपना मूव बना दिया है, क्योंकि इंडिकेटर्स भी आप देखेंगे अगर तो स्टोकेस्टिक ओवर बुलिश टेरिटरी में आ चुका है। MACD भी आप देखिए हिस्टोग्राम्स पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुके हैं, जैसे यहां पर आए थे आप देख सकते हैं। इन द पास्ट आवर्स का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं चार्ट पे कैसा दिखा था प्राइसिंग में। ADX देखिए आप मंथली चार्ट बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, और RSI देखिए आप 60 के ऊपर जा चुका है, बहुत ही बुलिश ट्रेंड है ऑन मंथली कैंडल चार्ट। अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो वीकली चार्ट 200 की मूविंग, जैसे मंथली चार्ट 100 के मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था, 200 का सपोर्ट लेके चल रहा है। और अभी इसने जैसे यहां पर सपोर्ट लिया था 2017-18 में, उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त इसने रैली दी थी, उसके बाद यहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रहा है। यहां पे आपको मालूम है कि अभी मार्च में कितना सीरियस सेंटीमेंट खराब हुआ था, अब वहां से आप देखिए इसने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है अपवर्डली, और सारे इंडिकेटर्स इसके अगर देखिए आप बहुत ही बुलिश होने। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का, और अगर आप देखें तो ये अराउंड 2600 के आसपास अगर ये मिलता है तो धीरे धीरे इसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए नहीं कमाते हो, आप मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाते हैं जो कि ओवर द ईयर्स होते हैं और उनमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। तो आप ये धीरे धीरे हर महीने एक एक दो दो शेयर्स भी जैसे मैं सोचता हूँ ऐड करने चाहिए, ऐसा आप भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप इसको आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें और उसकी गो अहेड ले लें। इसमें आप देखिए अभी इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया, अगर मैं इसको लाइन चार्ट में जाके देखूं आप देख सकते हो ये एक क्लियर ट्रेंड है। 2200 रुपए की रेंज इसने काफी देर से डेढ़ साल से ये तोड़ नहीं पा रहा था, 2250 की रेंज, और इसको तोड़ने के बाद इसने अभी टॉप प्राइस दिखाई है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है मेरे हिसाब से 2600 या फिर हो सकता है 2500, ये थोड़ा सा भी अगर आसपास मिलता है तो इस शेयर को टपक लेना चाहिए आने वाले समय में, अच्छा एक दिखा सकता है। सिमिलरली आप इसका रैंको चार्ट भी देखिए तो मुझे बुलिश ही लग रहा है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए जरूर करेक्शन आती है लेकिन ये शेयर का ट्रेंड जनरली अपवर्ड ही रहता है। कमिंग टू द डेली चार्ट विच बेसिकली गिव्स अस अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड, जनरली दिस स्टॉक रिमेंस अबाउट 200, हाउएवर मार्च यू कैन सी इट हैड गॉन बिलो, लेकिन बहुत तेजी से वापस आया। कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है बिकॉज वर्किंग फ्रॉम होम में वैसे भी इनका एक्सपेंडिचर में बहुत कमी आई, इनका रेंटल जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है, और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आने में बहुत अच्छी संभावना बन जाती है आने वाले समय में। और दूसरा क्या है कि जैसे जैसे ये जो इशू अभी हमने फेस किया है मार्च के महीने में, इसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि टेक्नोलॉजी पे दुनिया का जो डिपेंडेंस है वो बढ़ती जाएगी, और ऐसी वाली बड़ी कंपनी को और ज्यादा से ज्यादा काम। डेली चार्ट भी आप देखिए बहुत अच्छा ट्रेंड बना रखा है इसने, और मेरे हिसाब से ये शेयर जो है मे बी आफ्टर सम प्रॉफिट बुकिंग टू अबाउट 2600 रुपीज और मे बी 2500-2600 के बीच में ये डेफिनेटली 3000-3000 के आसपास हेड करना चाहिए। एंड TCS ने भी जैसे आपको बताया कि उनका बायबैक ऑफर भी है 5,33,033 शेयर्स जो उन्होंने खरीदने का सोचा है, तो ऑब्वियसली उस प्राइस की तरफ तो ये शेयर बढ़ेगा, उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुक मोड में आ सकता है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखिए तो बहुत अच्छे रैंको चार्ट डेटर्स दिखा रहे हैं, और RSI पॉजिटिवली एक बड़ा बुलिश टेरिटरी में रहा है इवन ऑन डेली चार्ट फॉर दिस। दोस्तों जो मैंने आपको अभी चार्ट दिखाए ये चार्ट में आपको जीरो डा पे दिखा रहा हूँ, जीरो डा एक बहुत ही अच्छी ब्रोकरेज कंपनी है, और जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं
ये बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू बाकी जो कंपनीज है मार्केट में। इनका जो डिलीवरी के लिए जो ब्रोकरेज है वो जीरो है, दे डोंट चार्ज एनी ब्रोकरेज फॉर द डिलीवरी, और बाकी जो ट्रेडिंग के लिए भी इनका ब्रोकरेज बहुत ही मिनिमल है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं आप इस लिंक पर क्लिक करें और वहां से आप जाके ऑनलाइन अकाउंट खोल के घर बैठे बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो हमने बनाई है दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई शेयर अच्छा लग रहा है और आपको खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर खरीदें इन कंसल्टेशन विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो उनकी सलाह के बिना आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी वेल्थ है उसको या पैसे को आपको कोई रिस्क हो। लास्टली मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमें एनकरेज करते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आके लेके आए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।